मौरी की स्पेनिश फिल्म माई ब्रदर्स वाइफ का टाइटल काफी हद तक यशराज फैना की मेरे ब्रदर की दुल्हन से मिलता है, पर फिल्म का कंटेंट है बिल्कुल अलग। हम अगर सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म डैन इन रियल लाइफ से काफी मिलती जुलती है, जहां बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की सोच रहे हैं, वहीं सैफ अली खान बॉलीवुड में ही रहना पसंद करते हैं, as he doesn't want to go and set up a base, struggle all over again. आशा भोंसले ने ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स में पहली बार लाइव परफॉर्म किया सूफी म्यूजिक, जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस अवार्ड फंक्शन में सलमान खान भी म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। साजिद खान, जिन्होंने शिल्पा शेट्टी की कार्ड पार्टी अटेंड की थी, इन्हें ये कहते हुए सुना गया कि काश मैं शिल्पा की पार्टी अटेंड ही नहीं करता, और साजिद ऐसा 3 लाख रुपए कार्ड गेम में लूज करने के बाद कह रहे थे, शिल्पा की खातिरदारी में कोई कमी की वजह से नहीं। राहुल बोस की 5 फिल्मों को फ्लोरेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया जाएगा। दिस फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd December टू 9th December, जिसमें राहुल की मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन, काल पुरुष, द जापानीज वाइफ और आई एम स्क्रीन की जाएगी।